स्टूडेंट्स, आज मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11th और 12th। मैं दो वीडियो बनाऊंगा आज, और आज चैप्टर 8 का लास्ट दिन होगा। चैप्टर 8, क्लास 8, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 11th है और 12th दोनों में कराऊंगा। 8.3 में टोटल 12 क्वेश्चन हैं जो मैंने 10 मैंने करा रखे हैं। आज मैं करा कौन सा एक्सरसाइज है 8.3 का 11 नंबर क्वेश्चन, और एक और मैं बनाऊंगा वीडियो उसमें 12th क्वेश्चन में। आज चैप्टर का एंड कर दूंगा मैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th में क्या, पहले बात ये क्वेश्चन नंबर 11th देखने के पहले वीडियो को भी इतना शेयर कर दीजिए ना, इतना शेयर, कुछ कहना नहीं, इतना आप शेयर कीजिए जितना मैं सोचता भी नहीं हूँ, इतना आप शेयर कर दीजिए, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। अब हर एक वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें जो बच्चे वीडियो देखते हैं, ठीक है ना। देखिए वीडियो को बिल्कुल देखिएगा एंड तक, तो आपको समझ में आएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले आप, ठीक है ना, कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th आप लोगों को वीडियो में क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, इन लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट, यानी लैब में बैक्टीरिया को गिना जा रहा है कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू, क्या हो रहा है बैक्टीरिया का इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ, कितना के रेट से हो रहा है इंक्रीज, 2.5 के रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, पर आवर, एक घंटे में। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर, यानी कि 2 घंटे के बाद टाइम कितना हो गया, 2 आवर हो गया, ठीक है, टाइम कितना हो गया, 2 आवर। इफ ही वॉज काउंट इन, जब वो स्टार्ट करता काउंटिंग करना तो उस समय 506000 था, इतना मतलब कि जब वो काउंटिंग करना शुरू किया था तो स्टार्टिंग इतना बैक्टीरिया था और इतने के रेट से बढ़ रहा है, तो 2 घंटे के बाद ये बैक्टीरिया कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम, हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। फॉर्मूला आपके पास है ना फॉर्मूला जी, देखिए दोबारा से मैं थोड़ा फॉर्मूला, हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें आर दिया हुआ कितना 2.5 था, और टाइम क्या दे रखा है 2 आवर, और प्रिंसिपल क्या दे रखा है 506000, ये दिया हुआ ना। हमें अमाउंट निकालना था, अमाउंट का लगा था फॉर्मूला, तो अमाउंट ये रहा, तो प्रिंसिपल दिया हुआ 506, यही है ना, 000 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 + r दे रखा है 2.5 अपॉन में 100 होता है, लिख दिया मैंने। इन मिस किया टाइम के अंदर रखा 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे ऊपर में। अच्छा एक मिनट देखिए, ये पॉइंट को हटा दीजिए, क्या आएगा 10 आएगा कि नहीं आएगा, ये 25 से कटता है 4 बार में कटता है ना, किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताइएगा आप लोग। मैंने इस पॉइंट को टाइम यहाँ पे 10 लिख दिया और 25 फोर होता है 100, ऊपर में 1 बच रहा है, नीचे में कितना होगा 4, आइए 10 कितना होगा 40। इसको जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 41 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 560000 कितना होगा 41 अपॉन में 40 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, अगर 40 का आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, जल्दी बोलिए, ये आपका हो जाएगा इतना होगा, ये हो जाएगा कितना 1600 हो जाएगा, इससे होगा कैंसिल, होगा कि नहीं होगा। आप क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कीजिएगा तो लगभग इतना आपको आएगा 5316.25, ठीक है। इसको लगभग आप इतना ले सकते हैं कि 5316.16 इतना हो गया आंसर, इतना इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 11th का, ठीक है। ये था देखिए, इतना बैक्टीरिया इतना था स्टार्टिंग में, इतना रेट से वो बढ़ रहा था, 2 घंटे का कितना बैक्टीरिया हो जाएगा वो मैंने निकाल कर दिखाया, मैंने आपको फॉर्मूला वही लगाना है जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है वो मैं आपको कराता हूँ अभी,